उठते ही मतलब बेड पे ऐसे बैठे उठ के, क्या उस समय कोई उपाय है? कहते हैं हथेली देखना चाहिए, ये करना चाहिए, कुछ बताइए ना दो चार चीज जिससे जिंदगी बदला, एकदम सरल उपाय बेड पे बैठे बैठे किया जाए। उपचार कोई बैठे बैठे करने से नहीं होता है। देखिए उपचार यही है कि सुबह उठने के बाद जो है, ठीक है, नित्य कर्म वगैरह करके अपना योग ध्यान प्राणायाम करके अपने कार्यों का एक प्लानिंग बनाना चाहिए हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। जगने के बाद पहले जो है पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद अपने हथेली को देखना। क्यों हथेली को देखने से क्या होता है? देखिए सब कुछ हमारे विचारों के ही ऊपर डिपेंड करता है। हमारा विचार जैसा रहेगा, हम उसमें अगर ये संकल्पित करेंगे कि हमारे हथेली से ही सब कुछ कर्म होने वाले हैं, हमारे हाथ से ही जो है ना लक्ष्मी जी उत्पन्न होंगी ना, हम कर्म करेंगे तभी जो है धन आएगा। तो उसमें जब हम उनका ध्यान करेंगे तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, ठीक है। और जब हम ईश्वर में विश्वास होकर के कर्म करना चालू करते हैं, ठीक है, हम जो भी कर्म करते हैं पहले ईश्वर से निमित्त बना करके कि हाँ आपके माध्यम से ये कर रहे हैं, कोई भी खराब कर्म का फल नहीं मिलता है और ईश्वर हमको अच्छा कर्म करवाता है, हम समर्पित कर देंगे आप हमको कर्म करवाइए। तो क्या हाथ में भी कोई देवी देवताओं का स्थान होता है क्या? कौन बताइए ना थोड़ा, उंगली हाथ में मतलब क्या? देखिए इसमें हाथ में लक्ष्मी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, ओके, मतलब हथेली में सभी देवी देवताओं का, नौ ग्रहों का वास होता है, नौ ग्रह इस हथेली में है, देवी देवता भी है, तो उसमें स्थान है उनका, इसलिए उनको देखा जाता है और उनको उनसे प्रेरित हुआ होना चाहिए कि हमको जो है अच्छा करने के लिए, हमको जो है हमारा दिन अच्छा जाए, हमको अच्छा कर्म करवाने के लिए प्रेरित करिए। एक कहावत भी होता है अपना हाथ जगन्नाथ। बिल्कुल, देखिए व्यक्ति का कर्म जो होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कर्म करने के लिए जो विचार आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धि का कहाँ उपयोग कर रहा है और शक्ति का कहाँ उपयोग कर रहा है वो प्रकृति निर्धारित करता है और व्यक्ति को किस दिशा में भेजेगा। इसलिए ईश्वर से आप सानिध्य में रहिएगा, कर दर्शन कर रहे हैं, पृथ्वी माता को प्रणाम कर रहे हैं, अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, वो क्या करेगा आपके कर्मों को सही दिशा दे देंगे, ठीक है, उससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा।